सभी स्टूडेंट्स का निशांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपन ने क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जिसकी अपन ने कुछ बेसिक बातें की थी पहले लेक्चर के अंदर, और आज अपन लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। पहले लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी सर्किल क्या होता है, सर्किल में कौन कौन सी चीज़ें होती है और सर्किल से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो बात की थी उसी बात को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ 5 मिनट के अंदर, ताकि वो सारी चीज़ें हमें याद रहे। तो सबसे पहले बात की थी अपन ने सर्किल। सर्किल क्या होता है कि किसी प्लेन में स्थित किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर स्थित सभी पॉइंट्स को मिलाने पर बनाए गए पाथ को सर्किल बोलते हैं। दैट मीन्स सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल, फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। फिर हमने कहा था कि अगर सर्किल की सर्कमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं ए और बी तो आर्क बनती है। आर्क छोटी हो तो माइनर आर्क, आर्क बड़ी हो तो मेजर आर्क। आर्क के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती है, कोण। कोण सर्किल को क्या करेगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट और बड़े पार्ट को मेजर सेगमेंट। अब हमने कहा था कि सर्किल की कोण को जैसे जैसे सेंटर के पास लेके जाते हैं वैसे वैसे कोण की लेंथ इंक्रीज होती है, और सर्किल की कोण को जैसे जैसे सेंटर से दूर लेके जाते हैं वैसे वैसे कोण की लेंथ डिक्रीज होती है। सर्किल की एक कोण ऐसी होती है जो सर्किल के सेंटर से पास आउट होती है, सर्किल की सबसे बड़ी कोण डायामीटर के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर कल के दिन कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बता देना है कि सर्किल की सबसे बड़ी कोण कौन सी होगी, डायामीटर, और डायामीटर की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, सर्किल का डायामीटर होगा 2r। दूसरा अपन ने बात की थी एरिया ऑफ सर्किल, वो होगा पाई आर स्क्वायर। तीसरी बात की थी अपन ने सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितनी आएगी, 2πr। चौथी बात की थी अपने सर्किल का पेरीमीटर, तो सर्किल का पेरीमीटर हमने कहा था कि सर्किल क्या, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर क्या होता है, दोनों समान होता है 2πr। हमने कहा था कि सर्किल के अंदर अगर बात करें तो सबसे बड़ी कोण होती है वो क्या होती है, डायामीटर। डायामीटर क्या करता है, सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको क्या बोलते हैं, 1 इक्वल पार्ट, सेमी सर्किल। फिर हमने कहा था कि सेमी सर्किल के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला आएंगे, तो सबसे पहले सेमी सर्किल के अंदर एक फॉर्मूला तो अपन ने देखा था एरिया का, तो पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये कौन सा सर्किल है, आधा सर्किल है, तो आधे सर्किल का कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्किल का पेरीमीटर कितना आया था, 2πr। तो हमने इसके पेरीमीटर के लिए बात की थी कि इसका पेरीमीटर, बच्चे क्या जवाब देंगे कि सर 2πr का आधा कर लो πr, लेकिन मैंने कहा था सर ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डायामीटर भी होता है, इसलिए डायामीटर की वैल्यू को भी क्या करते हैं, अपन ऐड कर लेते हैं। तो यहां तक कि अपन ने सारी बातें कर ली थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा, वो टॉपिक है सेक्टर। आई बात समझ में, नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास सेक्टर। अब इस सेक्टर के बारे में समझते हैं कि सेक्टर क्या होगा, क्या डेफिनेशन होगी और इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होंगे। तो देखो सबसे पहली बात मैंने कहा था कि सर्किल के क्या होता है कि किसी प्लेन में स्थित किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर स्थित सभी पॉइंट्स को मिलाने पर बनाए गए पाथ को सर्किल बोलते हैं। सर्किल की आर्क के ऊपर, सर्कमफेरेंस के ऊपर अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ ए और बी तो क्या बनती है, आर्क। ये कोई आर्क होगी, तो सर्किल का ये हो गया सेंटर, ये होगी आर्क। अगर मैं सेंटर को आर्क के दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये जो बना हुआ पार्ट होगा यही कहलाएगा सेक्टर, और ये सेक्टर अगर छोटा है तो इसे बोलेंगे अपन माइनर सेक्टर, ठीक। अगर सेक्टर बड़ा है तो इसे बोलेंगे अपन मेजर सेक्टर। आई बात समझ में। अब देखो सेक्टर की डेफिनेशन आराम से समझिए कि कैसे बनी, कि सर्किल की ये दोनों क्या है, रेडियस आर, ठीक। तो सर्किल की दोनों रेडियस और आर्क के द्वारा बनाए गए पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्टर। सेक्टर छोटा है तो माइनर, सेक्टर बड़ा है तो मेजर सेक्टर। अब ये अगर आर्क होगी तो इस आर्क की भी कुछ न कुछ लेंथ होगी, इसको बोल देते हैं एल लेंथ की होगी आर्क, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि इस सेक्टर में कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, तो अब अपन बोल सकते हैं कि सर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला निकल सकता है कि हाँ इस सेक्टर की लेंथ कैसे निकालें, दूसरा इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालें। तो देखो एरिया निकालना और लेंथ ऑफ आर्क निकालना, आर्क ऑफ सेक्टर निकालना, यही हमने इसके अंदर सीखना है। तो देखो जब ये दो रेडियस बनती तो इन दोनों रेडियस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम क्या होता है, थीटा। आई बात समझ में, ये एंगल क्या होगा, थीटा। अब मान लीजिए मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूं, तो देखो आप छोटी सी बात को समझना कि ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्किल का एक छोटा सा पार्ट है,
और पूरे सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में थीटा छोटा सा पार्ट है। तो देखो पूरे सर्किल में से अपन इस छोटे से पार्ट थीटा का क्या निकाल रहे हैं, एरिया। तो पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितने पार्ट का निकाल रहे हैं, थीटा पार्ट का, इसलिए थीटा, और कितने में से निकाल रहे हैं, इसलिए 360 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ऐसे अगर अपन लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे कि देखो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर कहाँ है, पूरे सर्किल की सर्कमफेरेंस के ऊपर है। आज के दिन ये पूरी किसके ऊपर है, सर्कमफेरेंस के ऊपर, और सर्कमफेरेंस में छोटा सा पार्ट क्या है, थीटा, उस पर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर बनी है। तो पूरी लेंथ ऑफ, पूरी सर्कमफेरेंस कितनी होती है हमारे पास, 2πr। 2πr में से कितने पार्ट पे है सर्कमफेरेंस, थीटा पार्ट पर, और कितने में से, 360 में से। तो 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो बुक में हमें फॉर्मूला मिलेगा पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री, लेकिन हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आप इसी फॉर्मूले को यूज करें। तो यहाँ से हमने दो फॉर्मूले सीखे, पहला फॉर्मूला एरिया, एरिया कितना आया, पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए थीटा अपॉन 360। दूसरा फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, ये कितनी है, 2πr टोटल होती है, थीटा पार्ट के निकाल रही है, इसलिए थीटा अपॉन 360। आई बात समझ में, अब देखना भाई इसी के अंदर एक छोटी सी बात हो रही है जो बहुत काम की है, कि अगर मान लीजिए ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री हो जाएगी तो ये देखो पूरा 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे 180 डिग्री रखूँगा तो कितना आएगा, देखो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 180 अपॉन 360, 180 से कट गया कितनी बार, 2 बार, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या आपको याद है 1/2 पाई आर स्क्वायर क्या था, सेमी सर्किल का एरिया, और यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब सेमी सर्किल बनेगा। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर हम इसके चार पार्ट डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मैंने कहा 90 डिग्री का। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर 90 वैल्यू रखता हूँ तो क्या होने वाला है, मैंने कहा देखो पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 90 अपॉन 360, 90 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, और ये 1/4 पार्ट है किसका, पूरे सर्किल का। अगर पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट है तो 1/4 पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो हमारे पास तीसरा फॉर्मूला क्या मिल गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और देखो इसमें एक फॉर्मूला और होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होगा कि आपको सर्किल की रेडियस आर का मान गिवन होगा, रेडियस क्या होगी, गिवन होगी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर एल का मान भी क्या होगा, गिवन होगा, तब आपसे क्या पूछा जाएगा, सेक्टर का एरिया पूछा जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन में रेडियस गिवन होगी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर गिवन होगा, तब आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास उस केस में, हाफ एल इंटू आर, और इसको चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं कि वास्तव में ये एरिया ऑफ सेक्टर सही है कि नहीं है। तो देख लीजिए हाफ की जगह हाफ, एल का मान कितना होता है, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू आर का आर। आई बात समझ में, 2 से ये 2 कट जाएगा, पाई आर, आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये हुई हमारे पास सेक्टर की बात। अब ये कौन सा सेक्टर है, माइनर। कैसे पता चलेगा सर कि माइनर कब होगा, मेजर कब होगा, तो मैंने कहा अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से छोटी है तो माइनर, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी है तो मेजर। अगर मान लीजिए माइनर का एरिया दे दिया जाए और मेजर का पूछ लिया जाए तो कैसे, मैंने कहा सर सबसे बढ़िया काम पूरे सर्किल के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, माइनर का माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली किसका आ जाएगा, मेजर का, या फिर मेजर का दे दिया जाए और माइनर का पूछ लिया जाए तो पूरे सर्किल के एरिया में से मेजर को हटा देंगे, बचा हुआ क्या बचेगा, माइनर। और इसी के अंदर तीसरा टॉपिक लास्ट है इस चैप्टर का, वो है सेगमेंट, जो हमने बताया भी था कि सर्किल की कोर सर्किल को क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक पार्ट क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट, और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट। कौन सा पार्ट माइनर सेगमेंट कहलाता है, छोटा पार्ट माइनर सेगमेंट और बड़ा पार्ट मेजर सेगमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, सेगमेंट, ठीक है।
अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो मैंने बताया था कि ए सर्किल, सेगमेंट बनाता कौन है, सर्किल की कोड, तो ये सर्किल की कोड होगी ए बी। इस कोड ने क्या बनाया, सेगमेंट। ये छोटा वाला पार्ट, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने माइनर सेगमेंट, आई बात समझ में। और ये बड़ा वाला पार्ट, इसको बोल दिया अपन ने मेजर सेगमेंट, आई बात समझ में, क्लियर। ये वाली बात होगी, ये सर्किल का सेंटर। अब मुझे क्या करना है, इस सेगमेंट का एरिया, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो पहली बात, इस सेगमेंट का एरिया निकालना सीखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके लिए हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, दिमाग लगाया कि इस सेंटर को जैसे हमने इससे ज्वाइन किया ए और बी पॉइंट से, तो ये क्या बन गई ओ ए रेडियस, ओ बी क्या बन गई सर्किल की दूसरी रेडियस, तो दो रेडियस बनी, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना कि नहीं बना, बना थीटा। तो ये देखो ओ ए और ये ए बी आर क्या बनाएगी, पूरा सेक्टर, और ये ओ और ए बी कोड ये क्या बनाएगी, ट्राइंगल। अच्छा, मैंने कहा सेक्टर में से क्या माइनस कर दो, ट्राइंगल को माइनस कर दो, तो काय का एरिया आ जाएगा, बचे हुए पार्ट सेगमेंट का। तो सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं, लेकिन सभी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या अपन, नहीं। हम देखो राइट ट्राइंगल है तो हाँ निकाल सकते हैं हाफ एल इंटू आर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो रूट थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर से ट्राइंगल का एरिया। लेकिन मान लीजिए आइसोसेलस ट्राइंगल है तो उस केस में क्या करें, तो इसलिए हमारे टेंथ क्लास के अंदर इस चैप्टर में एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद करवा देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, वो हम पूरी बात बताएंगे कि कैसे आता है, कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस, ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये कौन से ट्राइंगल का एरिया है, आइसोसेलस ट्राइंगल का एरिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन अपन क्या करते हैं, 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, जहां पे वेक्टर वाली बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे 10th लेवल का है, तो 10th लेवल के लिए अपन डायरेक्टली एक आइसोसेलस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला याद रख लेंगे, क्या होता है, आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा, आई बात समझ में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इस चैप्टर से। मैं आपको फिर बता दूं, दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। बाकी आप इसी तरीके से निशान क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो।